नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। धर्मार्जित लक्ष्मी ही होती हैं चिरस्थायी आचार्य अभिषेक। श्री रामानंद सरस्वती जी महाराज के पावन नौवें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर पहलवान बाबा आश्रम जसईपुर में रहे श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर कथावाचक आचार्य अभिषेक शुक्ल जी ने कहा कि राजर्षि परीक्षित ने कलियुग को निवास के लिए चार स्थान प्रदान किए। पुनः याचना करने पर अन्याय से अर्जित किए हुए धन पर निवास स्थान प्रदान किया, इसलिए अन्य उपार्जित धन से सुख सामग्री को अर्जित की जा सकती है, परंतु कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी होना और सुख सामग्री एकत्रित कर लेना अलग है। धर्म से अर्जित की हुई लक्ष्मी ही स्थायी और सुखदायिनी होती है। महाभारत के कतिपय प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि पापी को अपने पाप का परिणाम अवश्यमेव भोगना पड़ता है। कहा कि शुकदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए कहा कि कोई कितना भी श्रेष्ठ यशस्वी मनस्वी तपस्वी हो, पर जब तक भगवान के श्री चरणों में प्रपत्ति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म, शुकदेव आगमन इत्यादि कथाओं का समास व्यास विधि से वर्णन किया। इस अवसर पर संयोजक श्री जयराम दास जी, धनीराम जी, शकुंतला जी, मनोज पंकज जी आदि लोग उपस्थित रहे। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता आशा देवी की रिपोर्ट। भगवान यदि आप हमको देना चाहते हैं तो राजा धनदेव ने कहा आप पर किसी का दुख तो आप दूर करते नहीं है तो आप राजा बनने से क्या मतलब। तो भगवान ने कहा तो मन करे हमें मन करके करोगे क्या। तो राजा धनदेव ने रोते हुए कहा महाराज मैं अपनी प्रजावासियों के हृदय में।